देश में एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच होने वाली सड़क दुर्घटना भी लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द है और जीवन के लिए बड़ी चुनौती भी। हमारे साथ जुड़े हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार जी, जिन्हें आप जानते भी होंगे कि जो लगातार 9 सालों से सड़क दुर्घटना रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पुस्तक के बदले फ्री में हेलमेट बांटते हैं। इसके अलावा तमाम इनकी जो योजनाएं हैं, जो मुहिम है, वो लोगों तक पहुंचती है कि किसी तरह करके सड़क दुर्घटना को देश में रोका जाए। हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी मेहनत रंग ला रही है कि नहीं, क्या लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। राघवेंद्र जी, आप एबीपी लाइव पर जुड़े, ये बताइए कि आप इतने सालों से जो प्रयास कर रहे हैं वो आपका प्रयास कहाँ तक पहुँचा? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा सड़क सुरक्षा को लेकर के अच्छी खबरें, और मैं फिर एबीपी लाइव से जुड़ रहा हूँ। और इस वक्त जो हम खड़े हैं, बारिश भी हो रही है, और एक समय था कि भारत की जो सड़कों पर जब बारिश के अंदर हम रेन को तिगा करते थे, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो या लाने जा रहे हो और रेनकोट में, ताकि बच्चा उनको बारिश से भीगने से बचे। लेकिन इस बार हमने देखा कि सड़कों पर छोटे बच्चों को लोग हेलमेट पहना करके घर लेकर के आ रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो हमने 4 साल के बच्चों पर जो हेलमेट का कानून पास करवाया, और तब से लग रहा था कि चैलेंजेस था कि ये कैसे लोगों तक जाएगी। कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया के दौर पर, आज डिजिटल के माध्यम से, आपके बार सही बार खबरें देने के माध्यम से, अब गार्जियन जो है वो जागरूक हो चुके अपने परिवार को लेकर के, जो उनका बच्चा ही भविष्य है, तो उनको बचाने के लिए मैं ये देखता हूँ कि खुद भी हेलमेट पहन करके निकल रहे हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल से हेलमेट पहना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा के पीछे जो पेरेंट आगा करते थे, आज सड़क सुरक्षा के सारे टूल्स को अपना करके चल रहे, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं भारत की सड़कों पर इतनी सड़क हादसों में जो मौत हो रही है, तो किसी न किसी दिन हमारा परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। उससे पहले हम वो मजबूती दें परिवार का हर तरीके से, ताकि अभी समय वो सड़क दुर्घटना के दस्तक मेरे दरवाजे तक ना आए। और राघवेंद्र जी, देखिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस समय सड़क निर्माण देश में काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को लोगों को सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूक करने वाली मुहिम को भी और तेज करना चाहिए? और प्रयास देखिए, बिल्कुल अच्छी से करना चाहिए। हमारे देश के जो परिवहन मंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी 50% हादसे कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है, और जो चीज़ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो ये तभी संभव होगा जब देश का हर नागरिक एक स्मार्ट रोड यूज बनकर लड़ाई लड़ेगा। और ये चीज़ें जो हादसे होते हैं, सिर्फ सरकारी ऑफिस के लोगों का नहीं, ये आम व्यक्ति को भी हो सकता है। आम व्यक्ति अगर जनजन तक अल्प ज्यादा सड़क सुरक्षा को लेकर के अपना दायित्व समझेगा, तो कहीं ना कहीं सड़कों में कमी भी आएगी, और हर सिस्टम या सरकारी का प्रयास है कि हादसे कम हो, और ये नतीजा जो दिख भी रहा है, शायद आने वाले समय में भारत के अंदर बहुत बड़ा नया भारत बदलाव भी दिखेगा, और हादसों को लेकर के लोगों की सोच भी जो बदल रही है जिस तरीके से, वो नजरिया है कि हादसे में बहुत बड़ी कमी भी आने वाली है। राघवेंद्र जी, साथ में यही जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में आपका क्या कुछ नया मुहिम है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप, कैसे और एक अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए, मेरी लड़ाई यही है, जिस तरीके से हमने 56,000 को हेलमेट बांटा हुआ है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वो प्रयास अभी भी जारी है, और मैं आगे समझता हूँ, मैंने 31 लोगों की जिंदगी बचाई हुई है। और अब पहले क्या था कि मैं अकेला था, अब जो दुर्घटना में जो हर दिन हमारे सड़कों पर 18 लोगों की मौत हो रही है, कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं, मेरे तारे सोशल मीडिया पर वीडियो को मोटिवेट कर रहा है, अब वो परिवार भी मेरी तरह जागरूकता के लिए इस समय भारत की सड़कों पर घूम रहा है, एक लड़ाई लड़ रहा है, और ये नहीं कहीं ना कहीं इस भारत के एक न्यू भारत एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थे हमारे साथ दी, जिन्हें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और आपसे भी अपील है इनके माध्यम से कि जब भी सड़क पर चले पूरे नियमों का पालन करें, सावधानी रखें। और ये थी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट एबीपी लाइव के लिए, निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।